Sir, I want to be a part of this mission. This is not personal. It is personal for me, sir. Main plan India se take off karne ka nahi hai. Fir aircraft kahan se take off karenge? Pakistan se. भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंगना रनौत स्टारर फिल्म तेजस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे कंगना रनौत एंड अंशुल चौहान स्टारर फिल्म तेजस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर काफी ज्यादा पुअर कमाई कर शुरुआत हुई है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कंगना रनौत की प्रीवियस बॉलीवुड फिल्म धाकड़ महज 50 लाख की पुअर ओपनिंग कर शुरुआत की थी, तो वहीं दोस्तों कंगना रनौत की 2023 की फिल्म तेजस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर भी काफी ज्यादा पुअर कमाई कर शुरुआत हुई है। फिल्म तेजस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की बात करें तो फिल्म तेजस ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर करीब 95 लाख की कमाई की है। वहीं दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म तेजस को ओवरऑल 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। वहीं फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म तेजस को इंडिया में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों फिलहाल फिल्म अपने पहले दिन ही ऑडियंस को काफी ज्यादा तरसते हुई नजर आई है। वहीं दोस्तों फिल्म तेजस की कहानी की बात करें तो विंग कमांडर तेजस की यानी कंगना रनौत एक ऐसी बहादुर लड़की है जिसे सिर्फ हवाओं से बात करने का शौक नहीं है बल्कि देश की खातिर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हर पल तैयार रहती है। देश की बात आती है तो वो सीनियर के ऑर्डर भी मानने से मना कर जाती है। खातुनी नाम के आतंकवादी ने पाकिस्तान में भारत के जासूस प्रशांत को अपने कैद में पकड़ रखा है। उसका रेस्क्यू करने के लिए तेजस गिल को पाकिस्तान जाना पड़ता है। किस तरह से तेजस गिल इस मिशन को पूरा करती है, आखिर कैसे प्रशांत जासूस को बचाया जाता है, कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमी है। वहीं दोस्तों फिल्म में कंगना रनौत एयरफोर्स यूनिफॉर्म में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डायलॉग डिलीवरी की बात आती है पूरा इम्प्रेशन फीका हो जाता है। फिलहाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर काफी ज्यादा पुअर कमाई कर शुरुआत हुई है। फिल्म तेजस आपने अभी तक देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान स्टारर एंड एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकोण एंड विजय सेतुपति स्टारर फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 की बात करें तो फिल्म जवान के फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक 50 डेज पूरे हो चुके हैं। फिल्म के आज देखते देखते बॉक्स ऑफिस पर 51 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 की बात करें तो फिल्म जवान फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर लाखों में कमाई करने में कामयाब रही है। फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 के अंदर करीब 10 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म जवान का फ्रॉम डे 51 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से अभी तक 639.85 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 1147 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म का तमिल वर्जन से 30.08 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का तेलुगु से 27.86 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म जवान के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग रेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिलहाल फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। वहीं दोस्तों फिल्म शाहरुख के करियर की लगातार दूसरी फिल्म है जिसने साल 2023 में 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। फिल्म जवान को दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं, अपने अपने थिएटर्स में जाके इस बेहतरीन फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन स्टार फिल्म गणपत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म गणपत की तो फिल्म गणपत का फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा बुरा हाल है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की बात करें फिल्म फिलहाल अपने सेकंड वीक में है और कमाई करने के मामले में काफी ज्यादा फीकी कमाई की है। फिल्म के डे 8 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के अंदर करीब 25 लाख की कमाई की। इसी के साथ फिल्म गणपत का फ्रॉम डे 8 तक इंडिया बॉक्स ऑफिस से महज 12.05 करोड़ ही नेट कमाई कर सकी है। फिल्म का बजट काफी हाई है, फिल्म को ओवरऑल 150 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर महज 12 करोड़ ही कमा सकी है। फिल्म गणपत दोस्तों आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी में से आपने कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म नहीं देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आए तो लाइक करेगा, लाइक करे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।